पाकुड़ में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष होमगार्ड के जवानों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एसोसिएशन द्वारा राज्य के सभी जिला में ड्यूटी सुनिश्चित करने, अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी होमगार्ड को सामान्य कार्य का सामान्य वेतन लागू करने, झारखंड में हो रहे होमगार्ड की बहाली पर रोक लगाने, मुख्यालय होमगार्ड रांची द्वारा राज्य के होमगार्डों के ऑनलाइन ड्यूटी के नाम पर हो रहे धांधली पर रोक लगाने, राज्य के सभी अकारण सेवामुक्त होमगार्ड को सेवा में पुनः बहाल करने की मांग राज्यपाल महोदया से की गई। धरना में राजेंद्र साह, मोहम्मद हुसैन अंसारी, मनोज साह, सुरेश ठाकुर, प्रहलाद दास, नरेश यादव सहित दर्जनों होमगार्ड जवान उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए पाकुड़ से गणेश झा की रिपोर्ट। आवाज तो हम एक है, ये धरना राजस्थान धरना है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में समान काम का समान वेतन, जो झारखंड हम हाई कोर्ट में भी हम लोग डिग्री ले लिए हैं, मिल गया है और हम लोग उसी को लेकर हम लोग पूरे राज्य में समान काम का समान वेतन लेने के लिए पूरे राज्य में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। उसी तहत मुझे पाकुड़ जिला का प्रभार मिला था और मैं आज पाकुड़ में धरना में शामिल हूँ। हमारी मांगे समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। खबर 365 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव के लिए हमें इन नंबर पर संपर्क करें।